नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके ईवन में तो आज हम बात करेंगे आपके नंबर सीरीज यानी कि सीरीज जो है इस पे बेस्ट आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ठीक है और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एसएससी में पूछे गए हैं और ये आपके एस स्पेशल रीजनिंग है ठीक है तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं टाइप वाइज देखेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे इसमें हम लोग जो है पहला क्वेश्चन है कि ट्वेंटी फोर थर्टी वन क्वेश्चन मार्क और फोर्टी फाइव और फिफ्टी टू है यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या आएगा तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे नंबर दिए रहते हैं आपके यानी कि घटते बढ़ते हुए क्रम में जाएं या फिर घटते हुए क्रम में जाएं तो हो सकता है आपका या तो जोड़ा होगा या हो सकता है आपका क्या किया होगा घटाया होगा यही दूसरी चलती है तो यहाँ पर देखेंगे कि चौबीस है चौबीस के बाद से इकतीस हो गया यानी कितना प्लस किया है कि जुड़ा है तो आप कहेंगे सर प्लस का साथ किया है तो चौबीस में सात जोड़ेंगे इकतीस आएगा हो सकता है आगे भी जोड़े अगर प्लस का साथ जोड़ते हैं तो फिर यहाँ देखते हैं तो एक इकतीस में साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा थर्टी एट आ जाएगा यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे थर्टी एट होगा लेकिन उससे पहले आगे भी आपको चेक करना है कि क्या सेवन जोड़ने पर फोर्टी फाइव आ जा रहा है तो आप कहेंगे बिल्कुल सर आ रहा है इसका मतलब कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्टी एट आपका राइट हो जाएगा मुझे आसा है कि आप समझ गए होंगे ठीक है उसी तरह से अगला क्वेश्चन है आप अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए देखिए क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं अगला क्वेश्चन ये है कि 342, 359 और 376 और 393 क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या आएगा तो सेम देखेंगे यहाँ पे कि तीन है और तीन है अगर उनसठ और बयालीस का अंतर देखिए तो उनसठ और बयालीस का अंतर देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा सत्रह का अंतर आ जाएगा यानी कि सत्रह जोड़ा तो ये आ गया क्या फिर यही नंबर जोड़ रहा है क्या आगे तो देखेंगे कि सत्रह फिर जोड़ेंगे तो नौ सौ सोलह का छ यानी कि फिर यही जोड़ रहा है तो इसका मतलब है कि तीन सौ तिरानवे में फिर सत्रह हमको क्या करना होगा जोड़ना होगा तो ये आ जाएगा कितना तो ये आ जाएगा आपका चार सौ तो आपका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे दूसरे क्वेश्चन का चार सौ हो जाएगा समझ रहे हैं ना आप तो उसी तरह से भी आ, आपके आगे क्वेश्चन फिर दिए गए हैं कि फोर ग्यारह नाइनटीन ट्वेंटी एट और ये नंबर है ठीक है तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आप जो है इन तीन सवालों का आप जवाब खुद देंगे क्योंकि ये सीरीज जो है आपके सब्ट्रैक्ट और एड पर ही आधारित है ठीक है तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है इस क्वेश्चन को भी आप जो है हल करेंगे हालांकि तीन क्वेश्चन आपको बता चुके हैं आप इनका जो है जवाब खुद से बताइएगा क्या होगा वैसे भी देखिए चार और ग्यारह के बीच में देखेंगे तो कितने का अंतर है तो आप देखेंगे कि सात का अंतर है सात चार ग्यारह फिर से यहाँ पे उन्नीस आ गया ग्यारह सात तो अठारह होता है लेकिन एक जोड़ दिया उन्नीस आ गया आठ जोड़ा है फिर से यहाँ पे जो है आपका नौ जोड़ा है तो नौ नौ अठारह आ गया यहाँ पे दस जोड़ेगा तो कितना अड़तीस हो जाएगा ये इसका भी आंसर हमने बता दिया ठीक है बाकी आप दो क्वेश्चन ये हल करेंगे अब चलते हैं टाइप नंबर टू और ये टाइप टू में क्या है गोड़ा के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इसके आधार पर हम लोग को देखेंगे तो इसके आधार पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि थ्री सिक्स ट्वेल्व क्वेश्चन मार्क और फोर्टी एट और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा तो ये जो सीरीज चल रही है आपको पता चल गया होगा ये जो सीरीज है वो आपकी किस पे है मल्टीप्लिकेशन पे है यानी कि थ्री थ्री के पास से सिक्स तो मल्टीप्लाई बाई कितना क्या है टू फिर सिक्स मल्टीप्लाई टू तो कितना हो गया ट्वेल्व फिर ट्वेल्व मल्टीप्लाई टू करेंगे तो कितना आ जाएगा ट्वेंटी फोर यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या होगा ट्वेंटी फोर होगा यहाँ पे ठीक है उसी तरह से अगर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तो ये दिया है पाँच दुना के दस देखिए फाइव टू जा टेन और टेन थ्री जा यहाँ पे देखेंगे कि दो का मल्टीप्लाई हुआ है हो सकता है आगे में तीन का मल्टीप्लाई हुआ हो ठीक है किस में टेन में तो ये थर्टी आया हो फिर थर्टी का अगला अगला नंबर फोर आता है फोर में चार का मल्टीप्लाई करेंगे एक सौ बीस बिल्कुल यही पैटर्न आपका क्या हो रहा है बन रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या होगा टेन में थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी आपका राइट हो जाएगा ठीक है मुझे आशा है कि आपको चीज़ें जो है समझ में आ रही होगी अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न आपका ये है कि सिक्स और ये है क्वेश्चन मार्क वन सिक्सटी और फोर्टी तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हल करने के लिए आपको थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ता है यानी कि आप चलेंगे इधर विपरीत से चालीस की ओर से तो चालीस को देखेंगे तो चालीस दोनों कितना हो गया अस्सी और अस्सी दोनों कितना हो गया एक सौ साठ यानी कि उल्टा चल रहा है दो दो का मल्टीप्लाई है लेकिन उल्टा है तो उसी तरह से सोलह में दो का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा तीन सौ बीस आ जाएगा तो सोलह में मल्टीप्लाई कीजिए आप तो सोलह में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो चालीस अस्सी एक सौ साठ और एक सौ साठ में दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे सर सोलह दुनिया का बत्तीस 32, तीन सौ बीस होगा फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दो दुनिया का चार दो तीन ये नंबर आ गया इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या होगा थ्री हंड्रेड ट्वेंटी आपका विल बी राइट आंसर ठीक है बिल्कुल सही तो अगला वाला नंबर आप बताएंगे ये वाला नंबर ये वाला नंबर और ये नंबर तीन नंबर आपको दिए गए हैं आप इसका जवाब खुद से दीजिएगा ठीक है ट्राई कीजिएगा ये हो गए गुड़ा के आधार पर जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे उसके बाद से टाइप थ्री में देखेंगे कि विशेष संख्या श्रृंखला जो है इस पर आधारित यानी कि स्पेशल सीरीज होती है जिसमें वर्ग आता है गहन आता है अभाज्य संख्या आती है ठीक है आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती है जो दो से और अपने आप से करती हैं वो अभाज्य संख्या होती हैं तो उस पर बेस्ट आपके क्वेश्चन ये पूछे गए हैं जैसे पहला ही क्वेश्चन है नौ है सोलह है पच्चीस है छत्तीस है तो इसके जगह पे क्या होगा आपको पता चल गया होगा कि सर ये स्क्वायर है क्या है स्क्वायर है तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर पाँच का स्क्वायर छः का स्क्वायर तो अगला नंबर किसका होगा सेवन का स्क्वायर यानी कि आपका आंसर बोले तो क्या हो जाएगा फोर्टी नाइन सेवन का स्क्वायर क्या होता है फोर्टी नाइन होता है तो इसका आपका नाइन फोर्टी नाइन आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला क्वेश्चन है कि सेवन ट्वेंटी सिक्स सिक्सटी थ्री वन ट्वेंटी फोर इसके जगह पर क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर तो सात और छब्बीस है ना तो सात और छब्बीस से क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है तो एक तो कॉम्बिनेशन हो सकता है कि सर सात लाने के लिए दो का स्क्वायर आप प्लस था। चार कर सकते हैं दो का था। स्क्वायर प्लस तीन कर सकते हैं सॉरी सात लेकर आना है तो दो का स्क्वायर प्लस तीन कर सकते हैं लेकिन जैसे ही आगे चलेंगे तो ये देखेंगे तो पाँच का स्क्वायर क्या आ रहा है पाँच का तीन का क्यूब अगर तीन का क्यूब करते हैं तो तीन का क्यूब करेंगे तो नहीं होगा तीन का स्क्वायर करेंगे तो आप प्लस करेंगे नौ और नौ जोड़ेंगे तो नौ और अठारह जोड़ेंगे कोई कॉम्बिनेशन इसका नहीं बन रहा है इसका मतलब इस सीरीज का पैटर्न क्या हो सकता है तो ये हो सकता है कि आप दो क्यूब कीजिए तो दो का क्यूब माइनस वन कीजिए तो कितना आएगा सेवन आएगा बिल्कुल सताइस है तो छब्बीस है तो तीन का क्यूब करिए और माइनस वन कीजिए तो कितना आएगा ट्वेंटी सिक्स आ जाएगा आ जाएगा ना बिल्कुल चार का क्यूब पांच का क्यूब माइनस वन तो अगला वाला क्या होगा छ का क्यूब माइनस वन और छ का क्यूब दो सौ सोलह माइनस वन होता है तो ये दो सौ कितना आ जाएगा पंद्रह और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या समझ में आ रही है सी रिजन आपको तो आप देख भी बता सकते हैं हाँ घन और घनमूल कम से कम घन तो आपको जो है बीस तक तो याद ही चाहिए ठीक है और बर बरमूल की बात करते हैं तो वह चालीस तक याद चाहिए ताकि आप उसको आसानी से फाइंड कर सकें उसके बाद से यहाँ पे देखिए वन एट और यहाँ पे दिया है तो देखिए वन का क्यूब दो का क्यूब तो यहाँ पे कितने का क्यूब होगा तीन का क्यूब होगा और यहाँ पे चार का क्यू क्यूब दिया है पाँच का क्यूब तो सिंपल सा है और अगला क्वेश्चन ये लॉजिक थोड़ा ख़तरनाक है इसको आप बताएंगे ठीक है एक दो का क्यूब है तो यहाँ पे कहेंगे कि तीन का क्यूब होगा हो सकता है आप गलत भी हो चार का क्यूब है लेकिन यहाँ पे क्या है पच्चीस तो नंबर है तो भाई इसका लॉजिक क्या हो सकता है चलिए इसके लॉजिक को हम आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ठीक है तो इसको बताते हैं और फिर नीचे वाले क्वेश्चन को आप लोग उसका जवाब खुद देंगे अब देखिए इसका लॉजिक क्या है तो लॉजिक ये है कि एक का स्क्वायर कर किया है फिर दो का क्यूब किया है फिर तीन का जो है स्क्वायर करेगा फिर चार का क्यूब किया है फिर पाँच का स्क्वायर यानी एक बार स्क्वायर तो एक बार क्या क्यूब एक बार स्क्वायर तो एक बार क्यूब एक बार, बार स्क्वायर तो एक बार क्या होगा हो क्यूब होगा तभी तो ये पैटर्न आपका लागू होगा नहीं तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो आप गलत हो जाएंगे ठीक तो ध्यान रखिए तो कितना होगा एक का स्क्वायर एक हो गया दो का क्यूब आठ हो गया तो तीन का स्क्वायर होगा और तीन का स्क्वायर नौ होगा और यही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा नाइन आएगा समझ गए ना बिल्कुल समझ गए तो आप अगला भी बता दीजिएगा बहुत सिंपल सा है अभाज्य संख्या है तीन पाँच सात ग्यारह तेरह तो अगला क्या आएगा सत्रह आएगा दो तीन पाँच सात अगला क्या आएगा नौ आएगा अरे दो तीन पाँच सात नौ आएगा ठीक है दो हो गया तीन हो गया पाँच हो गया सात हो गया नौ भी आ सकता है तो ध्यान रखिए दो यहाँ पे जो है देखेंगे तो नौ नौ बोलेंगे तो क्या होगा गलत क्यों गलत होगा क्योंकि नौ नहीं यहाँ पे क्या आएगा ग्यारह आएगा क्योंकि ये पूरी अभाज्य संख्या है ठीक है तो सब सब लोहर करा दिया आपका तीसरा नंबर अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं तो मोर देन वन लॉजिक क्या है आपका अगला तो मोर देन वन लॉजिक का मतलब होता है कि एक से अधिक लॉजिक होगा जैसे तीन है सात है पंद्रह है इकतीस है तिरसठ है तो ऐसे नंबर को निकालने के लिए क्या करते हैं कि देखते हैं कि तीन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना इससे दो गुने के लगभग लग, लग, लग रहा है उसी तरह सात और पंद्रह को देखेंगे दो गुने के लगभग लग, लग, लग रहा है इसका मतलब है कि सर तीन में दो का गुणा हुआ है तो तीन में दो का गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा तीन में दो का गुणा हुआ तो छ हो जाएगा प्लस एक करेंगे तो क्या हो जाएगा सेवन यानी इसमें एक से अधिक लॉजिक लगते हैं एक से अधिक तो उसी तरह से सात दोनों का चौदह एक पंद्रह हो जाएगा पंद्रह दोनों का तीस और एक कितना होगा इकतीस इकतीस दुना का बासठ और एक तिरसठ फिर तो इसमें भी ठीक है इकतीस में फिर से किसका गुणा करेंगे दो का गुणा करेंगे और तिरसठ में जो है सॉरी तिरसठ में तो तिरसठ में दो का गुणा करा के प्लस एक जोड़ेंगे यही काम हो रहा है अरे इकतीस दोनों का बासठ एक तिरसठ हुआ है ना हाँ तो तिरसठ में दो का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा तो गुणा कर दीजिए तिरसठ में दो का गुणा करेंगे तो दो तीन छोटे बारह और प्लस एक जोड़ेंगे तो एक सौ कितना आ जाएगा सत्ताईस और ये आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है बिल्कुल आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन है ये कि चार पाँच बारह उनतालीस और एक सौ साठ है क्या लॉजिक हो सकता है आपका यहाँ पे क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या लॉजिक है देखिए इसमें लॉजिक क्या है कि चार में मल्टीप्लाई वन का किया है तो पाँच आया है यानी कि चार में मल्टीप्लाई वन का प्लस वन जोड़ा तो कितना आया पाँच वैसे ही पाँच से देखेंगे तो कितना गुना है तो आप कहेंगे सर पाँच का दो गुना है और प्लस दो जोड़ा है तो बारह आया है उसी तरह से बारह से उन्तालीस की तरह आया है तो सर बारह में तीन का गुणा कर फिर तीन जोड़ा है तो उनतालीस में फिर किसका गुणा किया है तो उनतालीस में चार का गुणा कर फिर चार जोड़ दिया है तो फिर से जो है एक सौ साठ होगा तो एक सौ साठ में फिर पाँच का गुणा कर फिर पाँच क्या करेंगे जोड़ देंगे समझ रहे हैं ना तो ये जो पैटर्न है आपका चल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं बारह ते छत्तीस तीन उनतालीस हो जाएगा उनतालीस तो में चार का गुणा करेंगे तो छत्तीस या चार ते बारह और तीन कितना हो जाएगा पंद्रह हो जाएगा अब पंद्रह में जैसे ही चार जोड़ेंगे तो ये एक सौ साठ आ जाएगा आ जाएगा ना बिल्कुल तो यही पैटर्न है तो सोलह में पाँच का गुणा कीजिए आठ सौ आठ सौ में पाँच जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आठ सौ पाँच और यही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आठ सौ पाँच आपका आ जाएगा ठीक है बहुत ही आसान है मोर देन वन जो है लॉजिक है इसमें बाकी ये बचे दो प्रश्न आपके ग्यारह पंद्रह चौबीस चालीस इसमें क्या लॉजिक है और क्या इसका आंसर होगा आप खुद इसका बताएंगे ठीक है तो चलिए अब देखते हैं जो एस एस सी के एग्जाम में आपके पूछे गए हैं जितने भी टाइप के उन सभी क्वेश्चन को जैसे दिखाया गया था आपको ठीक है ये क्वेश्चन जो है आपके एस एस सी में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं देख रहे हैं ना आप क्वेश्चन देख लीजिए इतना क्वेश्चन है मात्र जो है आपके चौदह क्वेश्चन पंद्रह क्वेश्चन है और पंद्रह क्वेश्चन जो है इसमें सब टाइप आ जाते हैं जितने भी एस एस सी के सीरीज में आज तक तो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं इसका ऑप्शन भी आपको दिया गया है जो कि एस एस सी में पूछा गया है तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि नंबर एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर, 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 फिर क्या हो रहा है घट रहा है इसका मतलब तो अब जो है अल्टरनेटिव सीरीज़ है आज जब भी अल्टरनेटिव सीरीज होती है ना तो इसका जो क्रम होता है जैसे तेरह छः ग्यारह पाँच और क्या दिया है नौ और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक छोड़कर एक ठीक है एक छोड़कर क्या होगा एक होगा इस तरह से वैसे ही छ है छः के बाद से क्या आ गया पाँच अब पाँच के बाद से क्या आएगा तो आप कहेंगे सर छः के बाद से पाँच आया है ना यानी एक माइनस किया है यानी कि पाँच में से फिर एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे फोर आएगा अब और फोर किस विकल्प में है ऑप्शन नंबर डी में है दूसरा तरीका ये है कि आप देख लीजिए कि एक बार बढ़ा एक बार घटा है ठीक है और इसको पहला नंबर से छोटा ही है तो नौ से छोटा ही होगा और छोटा कौन सा इसमें तो ऑप्शन नंबर केवल के यहाँ पर दिख रहा है फोर ये आपका राइट हो जाएगा हालाँकि सेवन भी है लेकिन सेवन आपका नहीं होगा ठीक है ये पैटर्न आपको समझ में आ गया बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है ये दो हज़ार बाईस में पूछा है कि तीन सौ इकसठ तीन सौ तेईस दो सौ पचासी दो सौ सैंतालीस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या आएगा तो देखिए इसमें लॉजिक क्या है घट रहा है नंबर नंबर क्या हो रहा है घट रहा है यानी कि घटाने वाले पे ही लग रहा है देखिए तीन सौ इकसठ है और यहाँ पे जो है तीन सौ तेईस है जब इसको घटाएँगे तो ग्यारह में से तीन जाएगा आठ और यहाँ पे कितना बचेगा थर्टी एट यानी कि थर्टी एट जैसे इसमें से घटाते हैं तो ये नंबर आएगा तो फिर देखिए इसका यूनिट डिजिट आठ तेरह में साढ़ा आठ जाएगा पाँच बिल्कुल काम कर रहा है हमारा मेथड इसका मतलब कि इस थर्टी एट इसमें से घटा देंगे एंड टू फोर सेवन में से तो टू फोर सेवन में से थर्टी एट जो है आप घटा दीजिए तो सत्तर में से आठ जाएगा नौ जीरो और दो यानी दो सौ नौ आपका क्या होगा राइट right आंसर होगा और दो सौ नौ किस विकल्प में है ऑप्शन नंबर सी में है तो सी इज़ द राइट आंसर ठीक है बहुत लोगों ने दिया भी है बहुत बढ़िया ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है पचपन तिरसठ क्वेश्चन मार्क तीन सौ तैंतालीस साठ सौ पचपन और अठारह सौ पचपन बताइए इसमें से कौन सा आपका सही होगा तो देखिए पचपन से कितना हो गया तिरसठ हो गया इसका मतलब लॉजिक क्या है सर पचपन से जो है तिरसठ हुआ है तो तिरसठ में से घटा कर देख लेते हैं तेरह में से पाँच जाएगा आठ यानी कि आठ आठ का कंडीशन क्या बन सकता है हो सकता है दो का जो है क्यूब किया हो क्या किया हो क्यूब मुझे तो यही लग रहा है फिर आगे चेक करते हैं तो तिरसठ आगे तो दिया ही नहीं है अब यहाँ पर चेक कर लीजिए तो तीन सौ तैंतालीस और आठ सौ पचपन है तो आठ सौ पचपन में से जब तीन सौ तैंतालीस आपको घटाएँगे तो ये बचेगा दो और ये कितना होगा एक और ये कितना हो जाएगा आपका तो आठ में से तीन गया कितना हो जाएगा आठ में से तीन गया जो है पाँच हो जाएगा पाँच सौ बारह तो पाँच सौ बारह किसका क्यूब लग रहा है मुझे तो आठ का लग रहा है ऐसे याद होना चाहिए याद होगा तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे जल्दी से ठीक है कम से कम बीस तक क्यूब याद होना चाहिए आपको तो ये आठ का है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आठ का गया तो यहाँ से यहाँ छ आया होगा और उसके पहले क्या आया होगा चार आया होगा और तब जाकर दो आया होगा यानी कि विषम संख्या का क्यूब कर रहा है क्या कर रहा है विषम संख्या का क्यूब तो ध्यान रखिए जब विषम संख्या का क्यूब किया तो पहले यहाँ पे दो का हो गया तो यहाँ पे चार का होगा ना क्यूब जब चार का क्यूब जो है इसमें आप जोड़ दीजिए तो चार का क्यूब कहेंगे तो कितना हो जाएगा चौंसठ हो जाएगा कितना होगा चौंसठ तो आप तिरसठ में चौंसठ जोड़ दीजिए तो चार तीन सात छः छः कितना हो जाएगा बारह एक सौ सत्ताईस आपका राइट होगा जो कि विकल्प सी में दिया गया है तो विकल्प सी क्या होगा राइट हो जाएगा फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दिया है चौहत्तर चौहत्तर बहत्तर चौबीस और चार इसमें लॉजिक क्या है देखिए थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे डेंजरस है उस लॉजिक को आपको ध्यान देना है चौहत्तर और चौहत्तर कब आ सकता है जब आप डिवाइड करेंगे एक में एक का या गुणा करेंगे तो यही आएगा और फिर चौहत्तर के बाद से बहत्तर कब आ सकता है तो आप कहेंगे सर चौहत्तर के बाद से बहत्तर तभी आएगा जब इसमें से दो घटाएंगे क्या करेंगे दो घटाएंगे यानी कि एक का भाग किया और दो क्या किया है घटाया है उसी तरह से बहत्तर है तो बहत्तर में किसका भाग करेंगे कि चौबीस आएगा तो आप कहेंगे सर तीन का भाग करेंगे तीन का भाग करेंगे तो चौबीस आएगा फिर चौबीस में से तीन क्या करेंगे आप घटाएंगे चार घटाएंगे कितना घटाएंगे चार घटाएंगे अब क्यों घटाएंगे तो सर देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे था चौहत्तर में एक का भाग किया दो घटाया अगला वाला नंबर घटा रहा है पिछला वाला वा से भाग करके ठीक है जैसे एक से भाग किया इसमें और दो क्या कर दिया घटा दिया उसी तरह से तीन से भाग किया है इसमें और चार क्या करेगा घटाएगा तो तीन से भाग किया है तो कितना हो जाएगा बहत्तर में तीन से भाग किया तो चौबीस आ गया और आग चौबीस में कितना घटाएगा अब चार घटाएगा और चार घटाएगा तो कौन सा होगा बीस होगा ठीक है चार घटेगा तो क्या होगा बीस होगा अब बीस किस विकल्प में है ऑप्शन नंबर बी में है तो बी वाला आपका राइट हो जाएगा समझ में आया ना उसी तरह से देखेंगे तो इसको जो है यहाँ एक से डिवाइड किया यहाँ तीन से डिवाइड किया तो यहाँ किससे डिवाइड करेगा पाँच से यानी कि बीस अगर आता है तो बीस को पाँच से डिवाइड करेगा चार आएगा ठीक है कितना आएगा चार आएगा जो कि चार लिखा भी है समझ में आ गया पैटर्न ना तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न है इस चीज़ को ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन है कि 240 सौ चालीस से एक सौ और उसके बाद से 360 और 900 सौ यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है 240 से कितना हो गया देखिए सीधा आधा हो रहा है 120 हो रहा है और 120 के बाद से क्वेश्चन मार्क यहाँ तो समझ में नहीं आया एक सौ अस्सी है उसके बाद एक सौ अस्सी हैं एक सौ अस्सी से तीन सौ साठ हो गया क्या लॉजिक चल रहा है अरे भाई दो हो रहा है यहाँ पे तो दो गुना हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो सकता है पहले तो देखिए यहाँ पे दो सौ चालीस आधा हो गया आधा का मतलब कितना होता है जीरो पॉइंट फाइव होता है बस यहीं से आपका लॉजिक पकड़ कर आ गया तो जो आधा होता है इसका मतलब कि जीरो पॉइंट फाइव तो यहाँ पे एक होगा ना चाहिए क्या होना चाहिए एक यानी एक सौ बीस में एक का गुड़ा करेंगे तो एक सौ बीस आएगा तो क्वेश्चन मार्क जगह पर एक सौ बीस आना चाहिए अब कहेंगे कि अगला नंबर गुड़ा करा कर लेकर आइए ना लेकर आइए भाई अब यहाँ पॉइंट से गुड़ा किया तो पॉइंट फाइव यहाँ वन से गया तो फिर वन पॉइंट फाइव से गुड़ा करेगा और देखिए बारह में वन पॉइंट फाइव से गुड़ा करेंगे एक सौ बीस है तो आ जाएगा आपका एक सौ अस्सी इसका मतलब मतलब है कि हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है यानी इस विकल्प का ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा एक सौ बीस समझ रहे हैं ना बहुत बढ़िया चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये ये दिया है सात सोलह इकतालीस चौरानवे और दो सौ इक्यावन और बताना है कि इसमें से जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये सही बताना है ये भी लॉजिक थोड़ा खतरनाक है ठीक है तो चलिए ख़तरनाक को भी हम लोग हल करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है सात और सोलह का अंतर लीजिए तो आप कहेंगे सात और सोलह का अंतर साठ नौ है ठीक है बिल्कुल सही फिर से सोलह और इकतालीस का अंतर लीजिए तो देखिए ग्यारह में से छः जाएगा पाँच और चार में से तीन में से एक जाएगा दो पच्चीस का अंतर है यहाँ पे देखेंगे उसके बाद से चौरानवे में तो यहाँ पे देखेंगे तो तीन और पाँच तिरपन का अंतर है ठीक है सिर्फ अंतर ले रहे हैं क्या ले रहे हैं अंतर ले रहे हैं उसके बाद से दो सौ इक्यानवे चौरानवे का घटाइए तो ग्यारह में से चार जाएगा कितना बचेगा सात और उसके बाद से चौदह में से नौ जाएगा कितना बचेगा पाँच और एक सौ सतावन ये है इसका मतलब समझ में आया नहीं आया कि लॉजिक क्या चल रहा है तो देखिए लॉजिक ये है कि नौ का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तीन में और माइनस करके दो घटाएंगे तो नौ तीस सत्ताईस सत्ताईस में से दो घटाएंगे तो क्या आएगा पच्चीस उसी तरह से पच्चीस को हल करेंगे तो पच्चीस में तीन का गुणा करेंगे पचहत्तर पचहत्तर में से जो है दो घटाए थे यहाँ पे और यहाँ पे फिर से दो घटाएंगे ठीक है ए, ए, एक मिनट थोड़ा सा तीन है तो यहाँ से दो बार गुणा करेंगे तो पच्चीस दो न के पचास आप प्लस का तीन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका तिरपन आ जाएगा बोलिए आएगा कि नहीं आएगा आप कहेंगे बिल्कुल सर तीन किया यहाँ पे उसके पास से तिरपन है ठीक है उसके पास से क्या है तिरपन है तो तिरपन जो है उसमें फिर सर तीन के गुड़ा कराएंगे और माइनस करके जो है फिर दो घटाएंगे तो तितली का नौ और उसके पास से कितना हो जाएगा तीन पचप्रह दो सत्तर और फिर दो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा एक सौ पंद्रह होगा ना हाँ एक पाँच और सात हो जाएगा एक सौ सत्तावन इसका मतलब एक बार तीन से गुड़ा करके दो घटाया है और एक बार दो से गुड़ा करके तीन जोड़ा है तो अगला वाला फिर क्या होगा ये पैटर्न देखें तो आ गया कितना एक सौ सत्तावन हमारा आ गया किस तरह से तो तीन का गुड़ा कराया है यानी अगले बार दो का गुड़ा कराएगा तो दो सत चौदह का चार और दो पाँच दस का एक ग्यारह का एक दो एक दो एक कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा ठीक है तीन सौ चौदह हो जाएगा अब तीन सौ चौदह हो जाएगा तो आपको जो है क्या करना है इसमें से दो घटाना है तो दो और एक तीन जो कि हिसाब से में कोई भी नहीं है देख रहे हैं ना चार सौ के करीब है इसका मतलब तीन का गुड़ा हुआ होगा ठीक है तो यहाँ पे तीन का गुड़ा हुआ फिर से यहाँ पे पच्चीस दो न पचास और तीन कितना हो गया तिरपन हो गया फिर से तीन का गुड़ा कराया तो इतना आ गया ठीक है फिर दो फिर इसमें से दो घटा दिए आपके तो एक अब एक में ना गुड़ा करना है सॉरी एक में गुड़ा करना है आपका ठीक है तो एक में गुड़ा करेंगे तीन का तो तीन सत इक्कीस का एक ठीक है तीन सत इक्कीस का एक हो जाएगा और उसके बाद से तीन पंच पंद्रह और दो सत्रह का साथ होगा तीन एकम तीन और एक कितना हो जाएगा चार चार सौ इकहत्तर है तो चार सौ इकहत्तर है चार सौ इकहत्तर में से कितना आप माइनस करेंगे तो इसमें से जो है आप तीन माइनस करेंगे ठीक है दो माइनस करेंगे ठीक है ग्यारह में से तीन, तीन सॉरी तीन करेंगे यहाँ पर ग्यारह में से तीन जाएगा आठ और यहाँ पे क्या बचेगा छः और चार यानी कि चार सौ अड़सठ जो है आपका क्या होगा राइट आंसर होगा आज चार सौ अड़सठ है तो ऑप्शन नंबर बी में आपका ठीक है।, है ना तो जरा ध्यान से देख लीजिएगा इसमें भी तीन का कुड़ा हुआ तो ये आया और तीन जोड़ा फिर पच्चीस का तीन बार गुड़ा किए पच्चीस दिया पचहत्तर हुआ ए, इस इन दोनों का गुड़ा करने पर यह आ गया आपका फिर से इन दोनों के मदद देखेंगे तो तीन पर में तीन का गुड़ा होगा तो आ जाएगा फिर इसके अगला वाला नंबर एक सौ सन्तावन एक सौ सन्तावन में तीन का गुड़ा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा चार सौ अड़सठ आ जाएगा और चार सौ अड़सठ केस विकल्प में है तो चार सौ अड़सठ अभी अभी आया था ठीक है तो ध्यान रखिएगा ये तीन तीन किया है दो नहीं हुआ है आपका ठीक है ना तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान देंगे अच्छे से अगला क्वेश्चन है कि अड़तीस तिरपन सत्तर और नवासी इसमें बताना है आपका लॉजिक क्या होगा और रोशन भी दिया गया है यहाँ पे ठीक है तो अड़तीस तिरपन और सत्तर उसके बाद से नवासी है तो अड़तीस तिरपन यानी कि एक बार कम हुआ फिर बढ़ा है फिर बढ़ा है बढ़ते हुए गया है इसका मतलब क्या लॉजिक हो सकता है तो देखिए तिरपन में से आप अड़तीस पहले घटाइए तब आपको लॉजिक जो है पता चलेगा तो तेरह में से आठ जाएगा पाँच और उसके बाद चार में से तीन जाएगा कितना बचेगा जा एक यहाँ पे आ गया पंद्रह कितना आ गया आपका तो यहाँ पे जो आया है वो आपका पंद्रह आया है ठीक है उसके बाद से तिरपन में सत्तर घटाएंगे तो बीस होगा यानी कि सत्रह आ जाएगा पंद्रह के बाद से सत्रह फिर सत्तर में नवासी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे उन्नीस आ जाएगा ठीक है कितना जोड़ा है उन्नीस जोड़ा है तो देखिए पंद्रह दो सत्रह दो उन्नीस दो इक्कीस यानी कि अब नवासी में आप इक्कीस जोड़ दीजिए तो जीरो हो जाएगा और आठ दो कितना हो जाएगा दस एक सौ आठ दो दस और एक ग्यारह हो जाएगा एक सौ दस होगा यानी कि पहले पंद्रह जोड़ा फिर सत्रह जोड़ा फिर उन्नीस जोड़ा जोड़ देंगे तो कितना आएगा एक सौ दस एक सौ दस आप नंबर बी में है तो बी वाला राइट हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि फाइव फोर उसके पास सिक्स फिफ्टीन और फिफ्टी सिक्स बताइए इसमें आपका क्या हो सकता है तो फाइव से फोर लाने के लिए क्या होता है कि जब पाँच में आप वन का गुड़ा कराएंगे कितने का जब फाइव में जो है आप वन का गूड़ा करा कर वो माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा फोर आएगा उसी तरह से चार से छः लेकर आना है तो चार से छः लेकर आना है तो क्या करना होगा तो आप कहेंगे सर चार से छः लाने के लिए चार में दो का गूड़ा करके दो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा छः आ जाएगा उसी तरह से छः से पंद्रह लाने के लिए तो छः में सर तीन का गुड़ा कर देंगे और छतरी अठारह और अठारह में से कितना घटाएंगे पंद्रह आएगा तीन यानी कि ये क्रम जो है आपका चलता जा रहा है तो वैसे ही यहाँ पे पंद्रह आ जाएगा ठीक है कितना आ जाएगा पंद्रह फिर पंद्रह में चार का गुड़ा होगा फिर छप्पन है तो छप्पन में किसका हो गुड़ा होगा तो छप्पन में जो है पाँच का गुड़ा होगा ठीक है तीन चार एक पाँच का होगा तो पाँच के तीस का जीरो पाँच बजे पच्चीस और तीन कितना हो जाएगा अट्ठाईस दो सौ अस्सी और दो सौ अस्सी में कितना जोड़ेगा पाँच आया है तो पाँच जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा दो सौ पचासी यानी कि दो सौ पचासी आपका क्या होगा राइट होगा और देखिए दो सौ सो पचासी सॉरी दो सौ पचहत्तर होगा पचासी नहीं कितना होगा दो सौ पचहत्तर होगा आप गुणा करा लीजिएगा ठीक है तो पाँच का तीस का जीरो पाँच पचास पच्चीस सौ तीन कितना हो जाएगा अट्ठाईस अब पाँच घटा देंगे तो दो सौ पचहत्तर होगा पचासी नहीं ठीक है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रखा गया है देखिए क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जो कि अगले टाइप में पूछा जाता है इसमें दिया गया है आपका क्या दिया गया है और पूछा गया है कि जो है ये नंबर दिए हैं एक नौ पच्चीस छत्तीस इक्सी एक सौ इक्कीस एक सौ उनहत्तर दो सौ पच्चीस ऑप्शन है कि बोथ नंबर इन द ब्रैकेट आर इनकरेक्ट यानी कि जो ब्रैकेट में दिए गए हैं वो दोनों सभी क्या हैं गलत हैं उसके बाद से द फर्स्ट ब्रेकेट नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इन करेक्ट यानी कि जो ये फर्स्ट ब्रेकेट दिया गया है ये आपका करेक्ट है और सेकेंड ब्रेकेट क्या कर रहा है इनकरेक्ट है उसके बाद से बहुत नंबर इन ब्रेकेट आर करेक्ट यानी कि दोनों जो है आपके सही हैं द फर्स्ट ब्रेकेट नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इन द करेक्ट एंड द सेकेंड इज करेक्ट यानी कि जो है आपका इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट ब्रेकेट नंबर नंबर्स फ्रॉम द लेफ्ट इज इन करेक्ट क्या बोल रहा है इन करेक्ट ये दोनों एक ही में है ठीक है ध्यान दीजिएगा इन करेक्ट यानी कि पहला ब्रेकेट जो है वो इनकरेक्ट है एंड सेकेंड ब्रेकेट जो है वो क्या है करेक्ट है तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा आपका तो देखिए एक का स्क्वायर तीन का स्क्वायर पाँच तो एक तीन पाँच यहाँ पे क्या आना चाहिए सात आना चाहिए यानी कि ये जो है आपका गलत है फिर नौ ग्यारह फिर तेरह ये बिल्कुल सही चल रहा है यानी फर्स्ट ब्रैकेट इज इनकरेक्ट अब देखिए द फर्स्ट ब्रैकेट नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इज करेक्ट ये नहीं हो सकता बहुत नंबर ये तो हो ही नहीं सकता द फर्स्ट ब्रैकेट नंबर इज इनकोरेक्ट बिल्कुल सही ये इनकोरेक्ट है यहाँ पे क्या होना चाहिए सेवन का स्क्वायर होना चाहिए ठीक है जो कि ये ई नंबर का स्क्वायर दे दिया है आपका ओड का होना चाहिए क्यों देख लीजिए यहाँ पे दिया भी है एक तीन पाँच ओड वाला दिया है ठीक है तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट हो जाएगा तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं टाइप वाइज में ठीक है टाइप वाइज में उसके बाद से अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा जैसे एफ यू भी दिया है आई एक्स डब्ल्यू दिया है एल एक्स दिया है तो पूछ रहा है कि बताइए इसका अगला वाला नंबर क्या होगा तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका अगला वाला नंबर क्या होगा तो एफ आता है कितने पे तो आप कहेंगे सिक्स पे आता है सर आई आता है नौ पे यानी छः तीन नौ नौ तीन बारह बिल्कुल सही चल रहा है तो बारह तीन कितना होगा पंद्रह पंद्रह पे कौन सा आता है ई जे ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये इसका मतलब ये वाला होगा सी वाला तो कन्फर्म है ओ होगा ठीक है ये दोनों तो ख़त्म हो गए अभी उसके बाद से यू आता है इक्कीस पे यू बाई इक्कीस बाईस होता है ठीक है इक्कीस और इक्कीस के बाद से एक्स जो आता है कितने नंबर पर आता है और यू भी डब्ल्यू एक्स बाईस तेईस चौबीस चौबीस पे आता है एक्स यानी कि एक इक्कीस तीन चौबीस और चौबीस तीन सत्ताईस का मतलब ए और ए में फिर जो है जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तो ए में तीन जोड़ेंगे तो चार चार पर डी आता है और डी किस में है सी में है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी राइट right हो जाएगा ठीक है आसान क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन दिया गया है ये कि टी सी टी एस एफ आर पी जे पी एम एन एन जे आर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा तो टी टी के बाद से आ रहा है यानी बीस के बाद से अठारह अठारह के बाद से पी आया है तो पी कितने पे आता है सोलह पे यानी दो दो माइनस किया है फिर से एन पर जाएंगे तो दो माइनस होगा एन में एन जो आता है आपका कितने पे आता है चौदह पे आता है चौदह में से दो करेंगे बारह बारह पर ओ आता है एल आता है ठीक है एल आता है तो इसमें भी है और इसमें भी है यानी कि ये दो ऑप्शन ख़त्म हो गए तो एल तो होगा क्लियर है उसके बाद से एस एस के बाद से क्या आया उन्नीस उन्नीस के बाद से क्या आया सोलह तीन किया माइनस फिर सोलह में से तीन करेंगे तो तेरह तेरह में से तीन करेंगे तो दस और दस में से तीन करेंगे तो सात और सात पे क्या आता है जी आता है तो एल जी यहाँ पर भी है एफ छः पे आता है छ और चार कितना हो जाएगा दस दस चार चौदह ठीक है दस से चौदह चौदह चार अठारह अठारह चार, चार बाईस तो युवा इक्कीस बाईस यू भी आएगा ठीक है बाईस नंबर पे क्या आता है भी यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा ठीक है ईजी क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको ठीक है बहुत ही आसान क्वेश्चन लिए गए हैं आप इतना जो हार्ड नहीं है और आसान पूछे गए हैं लिए नहीं गए वो पूछे गए हैं ठीक है थीके? अब देखिए अगला चेंज होता है आपका और इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे दिया है पी डैश डैश एन उसके बाद से डैश ओ एम ठीक है फिर डैश 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 एम एन पी तो आपका इसी में आंसर है कैसे आंसर है सर हमें समझ में नहीं आया देखिए आंसर इसी में है पी के पहले क्या है एन है ना तो पी के पहले जो है एन है और वो के बाद से एम है और एन के पहले क्या है एम तो एन के पहले एम है तो एम रखिए ठीक है थीके? और एम के पहले ओ है तो ओ रखिए अब देखिए पी ओ एम एन उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा पी ओ एम एन उसके बाद से तो क्या हो जाएगा पी ओ एम एन ये बैठ रहा है आपका तो ओ एम ओ एम फिर क्या आया पी ओ ठीक है एम ये आ जाएगा ओ एम पी तो ओ तो देखिए ओ एम पी ओ किस में है ओ एम पी इसमें भी नहीं है ठीक है यहाँ है ओ एम पी और एन है ओ एम पी और क्या है एन है तो ओ एम पी एन ओ यहाँ पर नहीं दिया गया यहाँ पर नहीं यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट होगा ओ एम पी एन समझ रहा है ना इसको काउंटिंग करके चार चार के रूप में बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ठीक है तेरह है इसका मतलब बारह ही मान कर लेकर चलते हैं अब बारह चार गुड़े तीन होता है तो पहले चार वाले पे ही चलेंगे उसके बाद से तीन वाला तो आपने इस सीरीज़ को आसानी से कर लिया इसी में आपका आंसर छिपा रहता है ठीक है तो इतना ध्यान देंगे बस आपका जो है आसानी से हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी पे जो है आधारित ये भी है ठीक है इसमें पूछा गया है कि जो है ये दिया है कमा ऐसे करके जो है ये ए फिर से जो है डबल जी ए ठीक है कमा फिर जी जी ए, ए एन तो यहाँ पे देखिए जो है बात करते हैं डबल जी के पहले तो डबल जी के एन के यानी एन के पहले क्या है ए है और एक के बाद क्या है एन है तो यहाँ पे क्लियर है कि एन होगा अरे एक के बाद एन है तो रख दीजिए ना और एक पहले डबल जी है तो यानी कि जी ए हो जी यहाँ पे होगा ही तो जी ए एन जी देखिए यहाँ पे चार चार का बन रहा है जी ए एन जी जी ए ए के बाद फिर एन जी जी ए एन जी यानी काम हो गया हमारा तो ये आ जाएगा जी क्या आएगा जी फिर आएगा एन फिर क्या आएगा जी फिर क्या आएगा एन यानी कि जी एन जी एन और उस जी एन जी एन कहाँ पर है तो देखेंगे तो सर जी एन उसके पास ये नहीं है जी एन ठीक है यहाँ पे जो है पहले जी एन होगा ना हमारा तो जी एन और एन जी बिल्कुल सही है जी एन और जी यहाँ पे देखें जी एन और जी एन ठीक है तो जी एन और एन जी ये आपका क्या होगा राइट होगा ठीक है ना तो जी एन और एन जी जी एन और एन जी ठीक ये जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं जी ए एन जी जी ए एन ठीक है तो जी ए एन जी एन एन जी आपका राइट आंसर हो जाएगा तो जी एन एन जी यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कोई तान नहीं है ठीक है चलिए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन हल करते हैं अब ये खतरनाक थोड़ा सा क्वेश्चन है कुछ खतरनाक नहीं है आप इसको भी बहुत आसानी तरीके से आप हल करेंगे चिंता ना कीजिए ठीक है, है ना देखिए यहाँ पे डैश डैश दिया है तो लेते हैं हम लोग कितना का है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस तो बीस है का है तो पहले पाँच पास लेकर चलिए ये हो गया डैश एल एच डैश डैश यू और एच डैश डैश और उसके बाद से फिर क्या है यू तो पहले पाँच पच सेट करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि एल एल से पहले क्या है तो आप देखिए कहीं पर दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है एच के पहले एच के बाद क्या है तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि एन के बाद भी है एन के बाद क्या है भी है तो एन के बाद भी है और भी के पहले जो है एन है आपका क्या इसमें कहीं कुछ भी बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है तो आप कहेंगे सर अभी तो कुछ बैठ नहीं रहा है ठीक है चलिए तो यहाँ से देखेंगे कि U और H ठीक है N और U U से पहले क्या है N है तो U से पहले N है तो U से पहले N रखिए यहाँ पे रख दिया आपने बिल्कुल सही ठीक है बिल्कुल सही आपने N रख दिया अब N के पहले क्या है तो देखिए N के पहले जो है E है तो N के पहले E है तो यहाँ पे E भी रख दीजिए रख दिया आपने बिल्कुल अब देखना है आपको कि एन के पहले क्या है तो एल का पहले क्या है तो देखिए यहाँ पे ई एन ई एन और यू एच एल हो गया आपका तो और क्या हो सकता है हमें पांच का पैटर्ना चाहिए तो एक दो तीन चार और पांच यहाँ पे क्या भरे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या छूट रहा है कोई छुट रहा है तो एच जो है नहीं ठीक है आपका उसके बाद से भी एच यू एच यू एल एच तो अगर यहाँ पर रखते हैं एच एल एच ई एन तो नहीं होगा यहाँ पे आपको क्या रखना होगा यू छूट रहा है तो यू रख दीजिए क्यों छूट रहा है क्योंकि पाँच पाँच का पेयर बनाना है तो आपको पाँच ही पर ध्यान देना था यू छूट रहा था तो यू एल एच ई एन एक दो तीन चार और पाँच यू एल एच ई एन यू एल एच ई -e एन देखिए पैटर्न आपका बन गया ना आपका काम हो गया सर यहाँ से हो गया कि नहीं हो गया देखिए यू एल एच ई एन यू एल एच ई एन देखिए इसी पैटर्न का सारे हमने इसको हल कर लिया तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप जो है अच्छे से कर लेंगे इसको तो क्या भरा जाएगा भाई साहब देखिए यू ई -E एन किस में है यू ई -E, इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है ठीक -E है यू ई -E एन इसमें है यू ई एन इसमें भी है उसके बाद से देखिए यू ई -E एन हो गया फिर एल है तो यू ई एन एल यू ई एन एल इसमें भी है फिर ई एन यू ई एन एल फिर ई e एन और ई एल इसमें नहीं है इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा बस यही पकड़िए ना ये पकड़ लेंगे तो बस आसानी से आप सवाल हल कर ले जाएंगे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है अगला क्वेश्चन है सी टेन जी एस ट्वेंटी एल एल सेवेंटी ई एल क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा तो एक लॉजिक तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है सी कितने पे आता है तीन पे जी कितने पे आता है सात पे तो सात और तीन कितना हो जाएगा दस हो जाएगा सिंपल सा है ब्रो तो बताइए यहाँ पे सीधा देखिए ना बारह और सत्रह कितना होता है तो बारह और सत्रह तीस होता है अरे बारह और ये, ये सत्रह बारह सत्रह तीस ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा ठीक है तो ये पैटर्न बड़ा आसान होता है तो मुझे आशा है कि ये पंद्रह क्वेश्चन आपके जो हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों पूरा टाइप हमने कवर कर लिया सीरीज़ का ठीक है पूरा टाइप जो है कवर कर लिया सीरीज़ का अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा भाई बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में ठीक है और भर सब कोशिश करेंगे कि आपका पूरा जो है ना टॉपिक जितने भी आते हैं वो सभी टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट करा दे रीजनिंग का ठीक है और एस एस का प्ले लिस्ट होगा उसमें जाकर आप जो है देख सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आज के लिए बस इतना ही जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत Thank